Hello everyone, in this video lecture of digital electronics, I am going to design a combinational circuit to detect invalid or illegal BCD codes. तो first of all हमें पता होना चाहिए कि BCD numbers होते क्या हैं या BCD codes हैं क्या. तो BCD codes are binary coded decimal numbers. ठीक है. Now अब BCD is binary coded decimal means कि BCD is a way to express decimal numbers इंटू बाइनरी. क्लियर हो गया. डेसिमल नंबर को बाइनरी में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स. ठीक. नाउ हाउ मेनी बाइनरी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड. फोर बिट्स आर रिक्वायर्ड. फोर बिट्स टू रिप्रेजेंट इन बीसीडी. ठीक है. नाउ इफ वी हैव फोर बिट्स तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन. टू रेज टू पावर फोर मीन्स की 16. और वट इज द रेंज. 0 to 15. ठीक है. क्या होगी रेंज. 0 to 15 रेंज होगी. नाउ अब हमारे जो बीसीडी होते हैं मींस कि 0 to 9 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो दीज आर वैलिड बीसीडी. बट 9 से ग्रेटर हुआ मींस कि 10 to 15 इज इनवैलिड बीसीडी. इनवैलिड बीसीडी. नाउ अब हमें जो सर्किट बनाना है वो क्या शो करेगा. जैसे ही हमने 10 to 15 का कोई भी डिजिट एंटर किया तो वो हमें क्या शो करेगा कि दिस इज इनवैलिड बीसीडी. तो हमें ये सर्किट डिजाइन करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे के सारे 0 to 15 नंबर्स लिखती हूँ डेसिमल. देन उसका बाइनरी. फिर हम उसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट्स लिखेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेसिमल नंबर 0 इसको हम बाइनरी में 4 times 0 देन 1 0 0 0 1 2. नाउ वन मोर थिंग. ये हम नंबरिंग कैसे करते हैं. वेट ऑफ दिस बिट इज 8 4 2 1. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं. नाउ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. ठीक है. These are the decimal numbers which can be represented by 4 binary bits. ठीक है. Now अब इसमें से हमारे valid BCD कहां तक होते हैं. Till this. ठीक है. Now अब हमें जो circuit design करना है to find or to detect the invalid BCD means कि for 10 to 15 ये output 1 देगा and remaining less than 9 के लिए या equal to 9 के लिए ये 0 देगा. ठीक है. तो for this, this is valid BCD means कि यहाँ output क्या होगी. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Now 10 is greater than 9 means ki this is invalid. Output will be high. 11 is also invalid. 12 is also invalid. 13 is also invalid. 14 is also invalid. And 15 is also invalid. So this is the truth table to find the invalid, to detect the invalid BCD number. Ab hum iske liye function likh lete hain. Function kya ho jayega hamara. Y is function of A, B, C, D is equal to summation M. Mean terms kaha hai 10 to 15 means 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. डन. नाउ अब हमें चाहिए क्या. के मैप. तो ये मैंने बनाया के मैप. इस सक्सेस पे मैंने लिया ए बी एंड इस सक्सेस पे लिया सी डी. तो सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी बार एंड ये 4 कॉलम्स हो गए. इस सक्सेस पे हमारा होगा ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार. नाउ हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. दीज आर अवेलेबल. नाउ अब हम इनकी कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. तो फर्स्ट क्वाड जो हमारा फॉर्म होगा दिस वन. ठीक है. तो यहां से हमें y इज इक्वल टू क्या मिलेगा. फ्रॉम दिस रो ए बी प्लस वन मोर क्वाड टू कवर दीज टू मीन टर्म्स दिस वन. नाउ यहां से रो से हमें क्या मिलेगा a. एंड फ्रॉम दीज टू कॉलम हमें क्या मिलेगा सी. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वाई. तो आइदर यू कैन राइट इट ए बी प्लस सी और यू कैन राइट ए बी प्लस ए सी. हमें चाहिए होंगे वन और गेट एंड वन एंड गेट. इसमें हमें 2 एंड और 1 और. तो हम इसको लेके चलते हैं. ठीक है. नाउ अब हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं.
फर्स्ट इनपुट हमारा क्या होगा, ये हमने दिया बी एंड ये लिया सी, एंड हमें चाहिए इनपुट ए, आउटपुट ऑफ और गेट, एंड इनपुट ए को हमने अप्लाई किया एंड गेट पर, एंड यहां पर हमें क्या मिलेगा, वाई। नाउ अब हम चेक कर लेते हैं फॉर एनी कॉम्बिनेशन। लेट हमने लिया डेसिमल का नंबर 11, इसको हम बाइनरी में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी की वैल्यूज, ए इज 1, बी इज 0, सी इज 1, डी इज 1। नाउ अगर हम ये वैल्यूज यहां पे पुट करें तो वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो लेट पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं इसको, ए इज 1, बी इज 0, सी इज 1, डी हमारा आया नहीं है इस सर्किट में, तो नाउ 0 एंड 1 का और क्या होगा, 1। ए की वैल्यू क्या है, 1, तो वाई हमें क्या मिलेगा, 1। नाउ वन मोर एग्जांपल, लेट हम लेते हैं 110, ठीक है, 14, 14 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 9, तो इसके लिए क्या होगा, 1, सी इज 1। नाउ 1 एंड 1 का और क्या होगा, 1, एंड 1 और 1 से यहां क्या मिलेगा, 1। तो दिस इज डन। अगर सेम सर्किट हमें यूजिंग नैंड गेट बनाना हो, नाउ इफ यू वॉन्ट टू डिजाइन दिस सर्किट यूजिंग नैंड गेट, तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा पहले तो हो गया लॉजिक डायग्राम। नाउ इफ यू वॉन्ट टू डिजाइन दिस सर्किट यूजिंग नैंड ओनली, तो उस केस में क्या करेंगे हम, टू बबल्स एट ईच इनपुट ऑफ और गेट एंड टू बबल्स एट ईच आउटपुट ऑफ नैंड गेट। नाउ वन नैंड गेट, वन नैंड गेट, ठीक है, तो नाउ इसको हम डिजाइन करते हैं यूजिंग नैंड। तो अगर हम इसे नैंड से बनाएंगे तो हमारा सर्किट क्या होगा, वन नैंड दिस वन, इसके आगे एक बबल है, मीन्स की वन मोर नैंड गेट जो कि यूज होगा एज अ इन्वर्टर। यहां पर इनपुट क्या है, ए। नाउ इसके लिए करते हैं वन नैंड गेट, ठीक है। अब ये जो इनपुट जा रही है थ्रू बबल जा रही है, तो आइदर यू कैन रिप्लेस इट बाय नॉट गेट और यू कैन डायरेक्टली राइट बी बार एंड सी बार, ठीक। नाउ इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर सपोज मैंने लिया 11, पर ए की वैल्यू क्या है, 1, बी इज 0, तो बी बार क्या होगा, 1, सी इज 1, तो सी बार क्या होगा, 0। नाउ 1 एंड 0 इज द इनपुट ऑफ नैंड गेट, तो आउटपुट क्या होगी, 1। 1 एंड 0 का एंड होता है 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक। नाउ 1 एंड 1 इज द इनपुट ऑफ दिस नैंड गेट, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। नाउ आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट विल बी 1। y इक्वल टू 1 मींस की इनवैलिड बीसीडी। नाउ दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर यूजिंग नैंड ओनली। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।